हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 मार्च आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली मॉर्निंग में 5 बजे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। सो लेट स्टार्ट टूडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स एग्रीड टू मूव टोक्यो ओलंपिक गेम्स टू 2021, यानी कि 2021 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया टोक्यो ओलंपिक्स को। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बैक। थॉमस बैक प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड। अब रीज़न क्या है इसको पोस्टपोन करने का, एग्जैक्टली कोविड 2019, प्लेयर्स की सेफ्टी को देखते हुए ये स्टेप उठाना, एंड ये ज़रूरी भी था, सो इसे उठा लिया गया एंड इसे नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन कर दिया गया। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया। 22nd एडिशन था ओलंपिक्स का ये, एंड 24 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, बट इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट डे, इसकी फाउंडेशन डे भी आप याद रख लीजिएगा, 23 जून 1894। ओके, एंड प्रेसिडेंट का नाम आपको मैं बता चुका हूँ, टेड्रोस अदनॉम, ये WHO के डायरेक्टर जनरल, इनका नाम आपको याद रखना है शिंजो आबे। प्राइम मिनिस्टर हैं जी जापान के एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे, ऑन विच डे वर्ल्ड टीबी डे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। 24 मार्च को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, अवेयर किया जाता है अबाउट द टीबी से कैसे बचा जाए। एंड इस बारी का जो थीम रखा गया, इट्स टाइम, याद रखिएगा। इसकी कुछ हिस्ट्री भी, इसको क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। 24th मार्च इज द एनिवर्सरी ऑफ द डे इन 1882 डेट रॉबर्ट कोच अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ माइको बैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ये टीबी होता है, तो इसकी डिस्कवरी की थी। देन उसके बाद इसे डिसाइड किया गया था कि 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड टीबी डे, याद रखिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज सेटअप इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल, एक फुली डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर कोविड 2019 रिलायंस इंडस्ट्री ने सेटअप किया, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। ओके, इसके साथ साथ ये फुली इक्विप्ड होगा, सारे वेंटिलेटर, सारी मशीन, सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें मिलेगी, एंड प्रॉपरली इसमें जो पेशेंट्स होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा। ओके, इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री हर दिन 1 लाख मास्क बनाने के लिए भी काम कर रही है, एंड गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। ओके, तो ये हॉस्पिटल जो बनेगा फुली डेडिकेटेड कोविड 19 के लिए मुंबई में। ओके, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे स्लाइड में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको बैठ के पढ़ सकते हो। मैं PDF जब आपको दूंगा तब आप इसको डाउनलोड करके सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस दैट द चार्जेस फॉर द ATM कैश विड्रॉल वेव्ड फॉर द नेक्स्ट हाउ मनी मंथ्स, सो 3 महीने के लिए आप किसी भी ATM जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। लाइक अगर आपका SBI है तो आप HDFC में भी जाके पैसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि राइट नाउ पूरा लॉकडाउन हो गया हमारा कंट्री फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। सो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर का यह डिसीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था, एंड एक और इसके साथ साथ GST की रिटर्न्स, लाइक जो डेट थी फाइलिंग की एंड इनकम टैक्स की फॉर द ईयर 18-19, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून तक सारी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। पैन और आधार को भी आप 30 जून तक अब लिंक करवा सकते हो। प्रेजेंटली 31 मार्च तक लास्ट डेट थी, बट कोरोना वायरस के चलते इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, तो याद रखिएगा 3 महीने तक आपको एक्स्ट्रा चार्जेस अब नहीं पे करने पड़ेंगे, किसी भी आप ATM से पैसे विड्रॉल करवा सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेफर्ड द राज्यसभा इलेक्शन जो 26 मार्च यानी कि आज के दिन होने थे ड्यू टू कोविड 2019, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब ये तो होना ही था। एंड अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया के,
सुनील अरोरा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, बिमल जुल्का ये अभी हाल ही में बने थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपको याद रखना है। रंजन गोगोई, इन्हें नॉमिनेट किया गया था बाय प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं, वो होते हैं जी हमारे लाइक जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, एम वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो भी अब याद, तो ये आपको याद रखना है। एंड ऑप्शन नंबर डी एस ए बोबडे, ये हमारे 47th चीफ जस्टिस हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोरा। ओके ओके, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करते रहिए मुझे, एंड इसको अगर आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, इज़ ओनली द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। एंड वी होप कि राइट नाउ हमारा देश कितनी तंगी से चल रहा है, एंड आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ घर बैठिए, 21 दिन तक आपको घर पर ही बैठना है। एंड इस COVID-2019 के साथ जो हमारी फाइट है इसको हराना है, बिकॉज अगर हम इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे इस पर, हम इस बात पे अमल नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाएगा एंड 21 साल तक हमारा देश पीछे चले जाएगा, जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। सो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, घर पे बैठिए, सेफ़ रहिए, एंड चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करते रहिए अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो। Then our Prime Minister Narendra Modi, the complete lockdown for entire nation due to COVID-19 for how many days? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 21 दिन तक कंप्लीट शट डाउन है। सो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, घर पर बैठिए, सेफ रहिए, खुद भी बचिए एंड देश को भी बचाइए। यही दिस इज़ द राइट टाइम टू शो पेट्रोटिज्म टूवर्ड्स यूर कंट्री। लेकिन ज़रूरी नहीं आप सैनिक हो तो तभी आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हो, इतना करके भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सो प्लीज़ बी सेफ, बी अलर्ट, स्टे एट होम। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट वन टू विदड्रॉ फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। अब पूरे ओलंपिक्स को ही लाइक पोस्टपोन कर दिया गया, बट फर्स्ट कंट्री बना था जिसने खुद को पहले विदड्रॉ कर लिया था, सबसे पहले डिसीजन आने से पहले ही। सो कैनेडा ने सबसे पहले खुद को विदड्रॉ किया था। ओके, तो ये पॉइंट याद रख लो आप। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, उगांडी फेस्टिवल, उगांडी फेस्टिवल कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये तेलुगु फेस्टिवल है, तेलुगु इंडियन स्टेट्स इसे सेलिब्रेट करती हैं, दो इंडियन स्टेट्स इसे सेलिब्रेट करती हैं जी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, टू मार्क द बिगनिंग ऑफ हिंदू लूनर कैलेंडर। सो इसके लाइक इसको वेलकम करते हैं, ठीक है, इसको मार्क करते हैं, वेलकम करते हैं हिंदू लूनर कैलेंडर को, दो इंडियन स्टेट्स इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो आप स्टेट का नाम याद रख लीजिएगा, उगांडी फेस्टिवल दो इंडियन स्टेट्स में यानी कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो सो इसका करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तेलंगाना के बारे में सबसे पहले तो 2 जून 2014 में इसकी फाउंडेशन डे था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले चीफ मिनिस्टर एंड अभी तक हैं के चंद्रशेखर राव, वो आपको ज़रूर याद रखना है। एंड उसके बाद अगर आंध्रा की बात की जाए, आंध्रा प्रदेश की बात की जाए, YSR जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अमरावती कैपिटल है, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। देन हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुणे बेस्ड माई लैब बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू मेक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट फॉर कोरोना वायरस। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लाइक पहली बार, लाइक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ओवर कंट्री। इससे पहले जो भी कोरोना वायरस की जो टेस्ट हो रहे थे वो जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे। एंड यू नो कि राइट नाउ लाइक इंटर कंट्री फ्लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी गई हैं, उस वजह से भी दिक्कत। एंड दिस इज़ अ लाइक गुड टाइम कि हमने ये इसका आविष्कार किया एंड ये खुद हमने बनाई है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ गिवन इट नोट टू पुणे महाराष्ट्र बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू मेक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स ऑल्सो नोन एज माई लैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव PRC किट फॉर नोवल कोरोना वायरस टेस्ट। तो अब ये बन चुकी हैं। एंड इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे पहले जो मैंने जैसे आपको बताया कि हम जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, लाइक जर्मन एल्टोना डायग्नोस्टिक को यूज़ कर रहे थे फॉर टेस्टिंग डायग्नोस्टिक कोरोना वायरस पेशेंट अक्रॉस द इंडिया, बट अब ये बन चुका है तो हम अपने इंडिविजुअली अपने लेवल पर। एंड इसका एक अच्छी चीज़ ये है कि ये तेज़ी से काम करेगी, इससे पहले 4 घंटे रिजल्ट आने में लगता था, लाइक अगर टेस्ट हुआ किसी पेशेंट का तो उसका रिपोर्ट आने में 4 घंटे लगते, ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगते थे, बट विद दिस 2.5 आवर्स में ही ये डिसीजन हो जाएगा, लाइक रिजल्ट आ जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। ओके, लाइक तेज़ी से भी काम भी करेगा। एंड माई लैब हैज़ डिसाइडेड टू फिक्स द प्राइस ऑफ दीज किट्स एट RS
1200 रुपीज़ ओनली. ओके, थोड़ा सस्ता भी है एंड इससे जो पहले था वो इससे कॉस्टली भी था एंड ये तेज़ी से काम भी करेगा. सो ये आपको ये याद रखना है एंड इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, माई लैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 PCR किट. ओके, एंड इसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाइक इसे अप्रूवल भी दे दिया गया, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है. एंड बाकी डिटेल्स इसमें अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लीगेसी ऑफ लर्निंग. सो इस बुक की ऑथर कौन है ये आपको बताना है. इस बुक को अभी हाल ही में रिलीज किया गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सविता छबरा. सविता छबरा इज द करेक्ट आंसर. सविता छबरा इज अ चेयरपर्सन ऑफ हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड. अब इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में भगवत गीता के बारे में सिंप्लीफाइड वे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं. ओके, तो इस बुक की ऑथर लेगेसी ऑफ लर्निंग सविता छबरा. ओके, बाकी ऑप्शंस में जो ग्रिगोरी मार्गुलिस एंड हेलेल फ्रेस्टनबर्ग, इन दोनों को अभी हाल ही में अभी एबल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी इन्हें नॉमिनेट किया गया. एबल प्राइज दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स. ओके, तो ये वो आप याद रख लीजिएगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सविता छबरा. नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे बताना है. ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जिसका नाम रेस था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया. नाउ यू हैव टू आंसर इट वॉज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे होनी थी एंड अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब कौन से मंथ में होगी. इसकी फुल फॉर्म भी आप मुझे बताएंगे एंड रेस की फुल फॉर्म क्या है. ओके, सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जैसे मैं आपको डेली बोलता हूँ एंड आप लोगों को कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे देश को आपकी ज़रूरत है वैसे मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं फिर कल की वीडियो में. टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन घर पर बैठिए प्लीज़, इतना आपको ज़रूर करना है अपने देश के लिए. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.